1981 में रिलीज नसीब फिल्म से इस बच्चे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वहीं दूसरी तरफ 1985 में रिलीज प्यारी बहना से इस बच्चे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। नसीब फिल्म में इस बच्चे के किरदार को देखकर ही लग गया था कि भले ये दूसरों से एक्टिंग करवा ले, लेकिन खुद हीरो नहीं बन पाएगा, और हुआ भी यही। 1995 में इस लड़के ने एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था हलचल, जिसमें एक्टर थे 1985 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाला ये लड़का यानी अजय देवगन, और नसीब फिल्म का ये बाल कलाकार था अनीस बज्मी। हलचल फिल्म के बाद भी अनीस बज्मी और अजय देवगन की हिट जोड़ी ने साथ में काम किया, और 1998 में अनीस बज्मी ने अपनी दूसरी फिल्म में अगेन अजय देवगन को लिया और फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। सुन मेरी अकेले अब इस फिल्म से अनीस बज्मी एक बड़ा नाम बन गया, और तीसरी बार भी अनीस बज्मी ने अपने हीरो में कोई बदलाव नहीं किया और एक बार फिर अजय देवगन के साथ फिल्म बनाई जिसका नाम था दीवानगी। चुप साली, बकवास करती हरामखोर। दोनों की जोड़ी ने 3 सफल फिल्में दी हैं और अब इन्हीं जोड़ी की एक साथ एक और फिल्म देखने को मिलेगी जिसका नाम है नाम, मतलब फिल्म का नाम है नाम, द हिडन आइडेंटिटी, और इसी के ट्रेलर पर आज की चर्चा रहेगी। पिछले 3-4 साल की साउथ की फिल्मों को लोग खोज खोज के देख रहे हैं, लेकिन जब असल थ्रिलर फिल्मों की बात आती है तो इसमें अनीस बज्मी और अजय देवगन दोनों का बड़ा योगदान देखने को मिलता है। अनीस बज्मी ने 90s में दीवानगी जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना के अजय देवगन को पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर में उतारा था। अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग और अनीस बज्मी का बेहतरीन डायरेक्शन दीवानगी में देखने को मिला था। ये हुई एक बात कि थ्रिलर फिल्मों का बॉलीवुड के 90s में बोलबाला था। दूसरा कि इन दिनों 90s की फिल्मों को री रिलीज करने का चलन है, और हमने देखा है कि री रिलीज्ड फिल्मों को भी लोग उतना ही पसंद करते हैं, जिसका कारण है नॉस्टैल्जिया फीलिंग, एक्टर्स को पुराने लुक में देखना। ऐसे में अगर आपको एक ऐसी फिल्म से नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ जाए जो रिलीज ही अब हो रही है, जबकि फिल्म बने कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म पहली बार अब रिलीज होगी, कैसा लगी जब आपको आज की रिलीज्ड फिल्म में अजय देवगन पुराने लुक में दिखे? तेरे नाम से चर्चा में आई भूमिका चावला के साथ आपको अजय देवगन की पेयरिंग देखने को मिले, समीरा रेड्डी से लेके यंग राजपाल और यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स देखने को मिले, और आपको एक फ्रेश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देखने को मिले, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी फिलहाल इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस पर नजर डालें तो ये फिल्म लॉस्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जो अगेन भले इंडिया में इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट ना हो, बट हॉलीवुड में लॉस्ट आइडेंटिटी पर अनेकों फिल्में ही नहीं बल्कि फिल्मों की फ्रेंचाइजी भी बनी है, जैसे कि द बॉर्न आइडेंटिटी, अननोन, ट्रू स्टोरी या जैकी चैन की हू एम आई। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर अनीस बज्मी की ये फिल्म है जिसका नाम है नाम, द हिडन आइडेंटिटी। ट्रेलर के अंशों को देखकर लग रहा है कि फिल्म में एक चेहरे के कई नाम देखने को मिलेंगे, और ऐसी सिचुएशन हो तो मतलब फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस का ओवरडोज देखा जा सकेगा। अनेकों ऐसे डायलॉग है ट्रेलर में जो कुछ ऐसे राज की तरफ इशारा करते हैं जिनके बारे में दर्शकों को रोचक ढंग से फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। इसके अलावा अजय देवगन जिस काम के लिए स्पेशली जाने जाते हैं फिल्मों में, वो होता है एक्शन, और वो भी इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। बीजीएम पहले के समय के हिसाब से दिलचस्प लग रहा है, और ट्रेलर में दिख रहे लोकेशंस भी स्विट्जरलैंड के हैं, तो आई गेस कि फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि दीवानगी फिल्म में अनीस बज्मी और अजय देवगन की केमिस्ट्री जबरदस्त लगी थी, तो हु नोज 2024 में अगेन वही केमिस्ट्री क्रिएट हो जाए। ये फिल्म 22 नवंबर 2024 को थिएटर में रिलीज हो रही है। हैव अ नाइस डे।